हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल ग्लास रोड्स एस वन एंड एस टू, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.5, हैव वन कन्वेक्स एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। दे आर प्लेस्ड विद द कर्व्ड सरफेसेस एट द डिस्टेंस डी एज शोन इन फिगर, विद द एक्सिस शोन बाय द डैश लाइन अलाइन। व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पी इज प्लेस्ड इनसाइड रोड एस वन ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कर्व फेस, the light rays emanating from it are found to be parallel to the axis inside S2. The distance D is option A 60 cm, 70 cm, 80 cm or 90 cm. So, bachcho, here our key concept is refraction at curved surface has the formula mu 2 upon v minus mu 1 upon u is equal to mu 2 minus mu 1 upon r. यहाँ पर light mu 1 to mu 2 medium में travel कर रही है। अब यहाँ question के according देखा जाए तो आपका light जो है S1 जो glass rod है वहां से air में travel कर रही है, तो that means हम ये कह सकते हैं कि जो म्यू वन है वो है 1.5 और म्यू टू है 1, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट पी है, इट एक्ट एज अ सोर्स, सो वन म्यू टू अपॉन वी, वन अपॉन वी माइनस 1.5, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इट इज कंसिडर्ड कि वो लेफ्ट पर है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये माइनस 10 लेना है क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कर्व सरफेस है इसका फोकल लेंथ लेफ्ट में होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वो लेफ्ट में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट, सो इसलिए नेगेटिव। So solving this, we will get 1 by V plus 3 by 100 is equal to 2 by, this is equal to 1 by 20. So yahan se hamare paas V aa jayega 50 centimeter. Ab in dono ke beech mein distance D hai. To hamara jo image ban raha hai wo 50 centimeter hai. तो वो S2 सरफेस से उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, d माइनस 50। सो दिस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर S2 विद इट्स डिस्टेंस u is equal to d minus 50। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी केप्ट ऑन लेफ्ट, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो रेज एमिनेटिंग है फ्रॉम इट आर फाउंड टू बी पैरेलल, दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, इंफिनिटी पर, क्योंकि पैरेलल रेज है और आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन 10 सेंटीमीटर। So now using the formula 1 upon infinity minus 1 upon minus d minus 50, 1.5 minus 1 upon 10, यहां से आपके पास आ जाएगा 1 upon d minus 50 is equal to 1 by 20, तो d आपके पास आ गया 70 सेंटीमीटर। So our final answer is option B, 70 centimeter. I hope you understood it well. Best of luck.